गुड मॉर्निंग बच्चों, आज बात करेंगे हम खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हाँ, स्वराज्य की नींव, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, फिफ्थ नंबर का, स्टैंडर्ड 9 हिंदी के अंदर, ठीक है। पर इसका मोरल क्या है पता है आप सबको? आपके बाजू में जो बैठा है ना फ्रेंड, जो बेस्ट फ्रेंड है आपका, उसके रिगार्डिंग है ना। दोस्ती में एक दूसरे पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। पर आप याद रखिएगा कि अगर कोई आपका दोस्त धोखा दे तो उसकी जो चोट है ना वो दिल पे बहुत गहरी लगती है, एंड वही गहरा विश्वास कभी कभी अविश्वास में भी बदल जाता है। फिर पहले जैसी दोस्ती हमारी नहीं रहती है। तो आज इस चैप्टर में हम यही समझेंगे, पर हम तो चैप्टर नहीं समझेंगे। काफी सारे बच्चों ने बोला सर बहुत बोरिंग है, आप एक काम करो इसके क्वेश्चन आंसर हमें समझा दो, हम उसको लर्न कर लेंगे। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो, ठीक है। तो देखते हैं क्या कहता है आज का हमारा ये चैप्टर एंड इसके क्वेश्चन आंसर, शुरुआत करें। ओके, तो पहला क्वेश्चन है कि मार्ग में हिमालय अड़ने, डरावनी लहरों के थपेड़े मारने, नाविकों से सो जाने का क्या अभिप्राय यहाँ पर बताया गया है, ये समझाओ। तो काफी काफी जो हिंदी लिटरेचर यानी कि साहित्य है उसमें थोड़ी हाई लेवल की बातें बताते हैं एंड हम बच्चे उसको समझ नहीं पाते हैं, तो हमें समझना चाहिए। पर जैसे पहले भी मैं आपको समझा चुका हूँ, आज भी समझा रहा हूँ, क्या करना चाहिए हमें? सबसे पहले इंट्रोडक्शन, वेरी गुड। उसके बाद हम आंसर लिखेंगे और फिर क्वेश्चन को रिपीट कर देंगे। थ्री पार्ट में हमें लॉन्ग आंसर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, पहले इंट्रोडक्शन, फिर ये आंसर लिखना है कि रानी लक्ष्मीबाई को अपनी प्यारी झांसी शत्रु के हाथ से चले जाने का बहुत बड़ा दुख था, जो उसने अपना राज्य यानी कि स्वराज्य की मंजिल हर बार पास आकर भी हमेशा दूर चली जाती थी। रानी लक्ष्मीबाई स्वराज्य को पास आते हुए देखती है, पर तभी बीच में बड़े बड़े हिमालय जैसी बाधाएं यानी मुश्किलें आ जाती है और उसके मार्ग में परेशानियां ही परेशानियां आती है। जब वे इस बाधाओं को पार करती है तो मुसीबत का महासागर आगे उमड़ने लगता है। जब उसे पार करके आगे जाने चाहती है तो उसके नाविक यानी उसके साथ रहने वाले लोग सो जाते हैं। ये नाविक है विलास में डूबे हुए, ऐशो आराम में डूबे हुए, यानी उसके सेनापति तात्या, राय साहब और थे साथ में बांदा और नवाब, ये सारे जो नाविक थे। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल देकर हमें लेखक महोदय बताना चाहते हैं कि हमारी जो लक्ष्मीबाई है उसको ये सारी अड़चनें आई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू, रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल थी। समझाइए, मिसाल देना मतलब किसी का एक ऐसा एग्जाम्पल देना जो हम चाहते हैं कि मैं भी इसकी तरह ही बनूं, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई हमारे इतिहास का एक अत्यंत तेजस्वी चरित्र यानी कैरेक्टर है। स्वराज्य ही उसका अंतिम लक्ष्य था, उसके लिए वो बड़े से बड़ा बलिदान भी दे सकती थी। स्वराज्य की नींव बनने ही वो अपने जीवन में सार्थकता मानती कि जब अपना देश अपना राज्य खुद का होगा तो ही जीवन अच्छा होगा। उसे राग रंग सख्त नफरत थी। ऐशो आराम ने जीवन में मेहनत करते रहो तो ही आपकी प्रगति होगी। उन्हें यही चिंता थी कि स्वराज्य के लिए लड़े रहे और सैनिकों की वीरता कभी कलंकित ना हो। कितने सारे सैनिक थे वो लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे, तो हमेशा चाहते थे हम भी उसकी तरह लड़ते रहे और अपना राज्य अपना बना के रखे। सचमुच रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की सही में एक अद्भुत मिसाल थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री, स्वराज्य की नींव ये शीर्षक कहाँ तक सार्थक है? प्रस्तुत एकांकी, एकांकी मतलब क्या होता है, नाटक ड्रामा, ठीक है, उसके लिए कोई अन्य शीर्षक हो सकता है? तो हमेशा याद रखें हम कभी भी लेखक के खिलाफ नहीं लिखेंगे, हमेशा बताना चाहिए कि हाँ यही अच्छा है यही उचित है। पर अगर आपको लगता है कि नहीं हमें और देना चाहिए तो आप नीचे लास्ट में हमेशा बताइए कि ऐसा ऐसा भी अगर हम लिखे तो उचित हो सकता है, तो कभी उसके ऑपोजिट में आपको नहीं बोलना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि हमसे बड़े हैं, समझदार हैं, लेखक हैं, तो ऑब्वियसली उसने अच्छा ही सोच समझ के शीर्षक रखा होगा, ठीक है। तो अब आंसर देखते हैं कि सन 1857 यानी 1857 में सैनिक विद्रोह भारत का प्रथम संग्राम, स्वतंत्र संग्राम माना जाता है, और उसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई,
जूही, मुंदर, तात्या टोपे, रामचंद्र तथा रघुनाथ राव, ये आदि अपने अनोखी देशभक्ति का परिचय दिया। ये सब अपना बलिदान देकर स्वराज्य के नींव के पत्थर बन गए थे। बाद में इस एकांकी के पात्र को न्याय, तपस्या और बलिदान की नींव पर ही भारत की आजादी और उसकी इमारत खड़ी की थी। इसलिए इस एकांकी का शीर्षक स्वराज्य की नींव एकदम उचित है, सार्थक है। इसके अलावा हम और भी शीर्षक यानी टाइटल दे सकते हैं, जैसे स्वराज्य की आधारशिला, आजादी के ये परवाने वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इस तरह से हमेशा लिखेगा कभी भी कोई भी चैप्टर में, पोएम में, गुजराती, हिंदी, संस्कृत कहीं पर भी बताए तो हमेशा शीर्षक का ऑपोजिशन में नहीं जाना चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद बात करेंगे रानी लक्ष्मीबाई निराश क्यों हो गई। तो आंसर है, रानी लक्ष्मीबाई स्वराज्य पाने के लिए प्रयत्न विफल हो रहे थे। जहां से उसके हाथ से निकलती जा रही थी उसके पास शक्ति थी, फिर भी बेचारे दुर्बल थे। तात्या जैसे कुशल सेनापति होते हुए भी सेना में अनुशासन यानी डिसिप्लिन नहीं था। रानी ने सहयोगी विलासता में यानी कि ऐशो आराम में डूब चुके थे। वे युद्ध के साहस और शौर्य दिखाने के बदले ब्रह्म का भोजन यानी कि ब्राह्मणों का भोजन करना, बड़े बड़े ऐशो आराम का कार्य करना, इसका आयोजन में पड़े हुए थे। ग्वालियर जैसा किला हाथ से होकर भी कुछ भी नहीं पा रहे थे। शत्रु अपना शिकार बनाने के बदले उसे अविश्वास का शिकार बना रहे थे, और इसलिए अपने पक्ष में ऐसी स्थिति, उसको ये प्रॉब्लम नहीं था कि झांसी चली गई, उसको ये प्रॉब्लम था कि अपने लोग चले गए। अगर अपने लोग हैं तो हम कहीं पर भी झांसी खड़ी कर सकते हैं और कभी भी झांसी वापस से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए वो समझती है कि अपने पक्ष में ऐसी स्थिति देखकर रानी लक्ष्मीबाई निराश हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत एकांकी में इस कथनों को छांटिए जिससे पता चले कि युद्ध की छाया में भी राव साहब वैभव विलास में डूबे हुए हैं। तो यहाँ पर उसके 3 डायलॉग्स है। ठीक है, जूही कहती है जानती हूँ महारानी हम विलासता में डूबे हुए हैं। दूसरा मुंदर कहती है विलासता में डूबे है राव साहब, बांदा के नवाब और सेनापति तात्या। लक्ष्मीबाई कहती है जूही ने उसे रोका है, मुंदर मैं जानती हूँ जब राव साहब के लिए बुलाने उसे आए थे तो उसे अपनी बुरी तरह से धुतकार दिया था। जो 3 डायलॉग्स जो है, 3 जो सेंटेंस है वो इस तरह से बताना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं राव साहब ऐशो आराम में यानी कि वैभव विलास में डूबे हुए हैं। अब आते हैं 2 लाइन आंसर। 2 लाइन आंसर में ऊपर डैश डैश डैश, फर्स्ट इज अ चैप्टर का नाम, फिर लेखक का नाम एंड साहित्य प्रकार। ठीक है, फिर आंसर लिखेंगे। पहले प्रश्न, झांसी के बारे में रानी लक्ष्मीबाई क्या निश्चय करती है। तो रानी लक्ष्मीबाई अपने झांसी अंग्रेजों को नहीं देने की प्रतिज्ञा कर चुकी थी, लेकिन वह उसके साथ हाथ से निकल गई थी, परंतु वो हिम्मत नहीं हारती और झांसी को फिर प्राप्त करने का निश्चय करती थी। बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से क्या कहा था। तो बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई को कहा था कि समाज में छुआछूत, ऊंच नीच, विलास प्रियता, इसके होते हुए हमें कभी भी स्वराज्य नहीं मिल सकता है। पहले अपनों को, अपने समाज को सुधारो, है ना, और अगर इसको सुधार लिया तो स्वराज्य केवल सेवा, त्याग और बलिदान में है, उसके द्वारा हमें अपना स्वराज्य मिल सकता है, क्योंकि भारतीय संस्कृति यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा गंगादास ने किसे स्वराज्य प्राप्ति को बढ़कर बताया। तो बाबा गंगादास ने बताया कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की खुद की स्थापना करने के लिए अपनी भूमि को तैयार करना। उन्होंने कहा कि स्वराज्य की नींव का पत्थर बन के ही आपको स्वराज्य प्राप्त हो सकता है, मतलब आप खुद एग्जाम्पल बनो, है ना। अगर आप दूसरों को सिर्फ सलाह देते रहोगे, उपदेश देते रहोगे बेटा ऐसा करो, ये करना चाहिए, वो करना, कोई नहीं मानेगा। पर जब आप खुद उस काम में जुट जाते हो तो आपके साथ कितने सारे लोग खड़े हो जाते हैं। और आज की देश और दुनिया में ऐसी परिस्थिति है भैया, है ना, जब तक आप काम नहीं करते हो ना तब तक लोग देखते हैं, देख रहा हूं तो कब काम करता है, एंड जब सफल होते हैं ना तो सब खड़े हो जाते हैं साथ में, हाँ हाँ चलो चलो पार्टी करेंगे, मजा करेंगे, साथ में काम भी करेंगे। सो हमेशा क्या करना चाहिए, हमें अगर स्वराज्य प्राप्त करना है तो खुद से अपने लोगों के साथ रहकर ही आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, आगे है, जूही के लिए दुत्कार दिया, जूही ने किसे दुत्कार दिया था। तो तात्या राव साहब के सामने नाचने के लिए जूही ने बुलावा भेजा था, तब खरी खोटी सुनाकर जूही ने उसे दुत्कार दिया था कि मैं नहीं आऊंगी।
जूही ने किसके लिए नाच सकती थी और किसके लिए नहीं। तो बहुत अच्छा आंसर है, जूही अपने स्वराज्य के लिए नाच सकती है, पर हाँ जो भोग विलासता के अंदर डूबे हुए लोग हैं उसके लिए कभी नहीं नाच सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई को कौन सा दर्द कचोट रहा था। तो लक्ष्मीबाई के सहयोगी विलासता में, यानी कि उसके जो मित्र थे, उसके साथ में कार्य करने वाले जो सैनिक थे, अपने लोग थे, वो किसमें डूबे हुए थे, विलासता में, भोग विलास में। लेकिन लक्ष्मीबाई उसे ठुकराया नहीं सकती थी, क्योंकि इसी से उसका दर्द था कि ये कब बाहर आएंगे और कब हम अपने वापस से झांसी को प्राप्त कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशवा की हार का समाचार पाकर रानी ने क्या कहा। तो पेशवा की हार का समाचार पाकर रानी ने कहा कि अच्छा हुआ कि अब पेशवा की आंखें खुल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तात्या रानी लक्ष्मीबाई के बारे में लज्जित क्यों उठे थे। तो आंसर है कि रानी लक्ष्मीबाई तात्या को सरदार कहकर हमेशा संबोधित करते थे। रानी के मुंह से उसके लिए संबोधन सुनकर तात्या थोड़े लज्जित हो गए थे। तोपो की आवाज सुनकर रानी ने तात्या से क्या व्यंग यानी कि कटाक्ष यानी कि टोंट किया, है ना, टोंट मारते हैं ना, उसको व्यंग करना कहते हैं। तोपो की आवाज सुनकर रानी ने तात्या को व्यंग किया कि शायद ब्रह्मभोज के उपलक्ष में तोपे चल रही है, शिखंड और लड्डू के लिए घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ गई है, जाके देख के आ जाओ। तो ये उसने टोंट किया था। आगे है, युद्ध में जाते समय मुंदर रानी के सामने क्या इच्छा प्रकट करती है। तो युद्ध में जाते समय रानी ने, मतलब मुंदर ने रानी जी के सामने इच्छा प्रकट की कि उस दिन बराबर उसके साथ ही रहेगी, तोप खाना संभालने की जिम्मेदारी वो निभाएगी और आपके साथ खड़ी रहकर मैं जीतने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का क्या कारण था। तो रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का कारण ये था कि वो बहुत ही प्रयत्न के बाद भी स्वराज्य उसके हाथ से नहीं आ रहा था, निकलता जा रहा था। रानी लक्ष्मीबाई क्या प्रतिज्ञा करती है, तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी को फिर से जीतने की प्रतिज्ञा करती है। ये सारे हमारे वन लाइन आंसर है बच्चों, और इसमें ध्यान रखिएगा जो मेन वर्ड होता है ना उसको पेंसिल से अंडरलाइन करिए। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, जूही सेनापति तात्या का पक्ष क्यों लेती है। तो ये तो सही है, लिखा हुआ है, पर आप इसको अंडरलाइन करो क्योंकि वो उसे प्रेम करती है। तो जो चेकर आपके जो सर महोदय है, आपके टीचर है, उसको इजीली आंसर मिलेगा, है ना, और वो फटाफट से आपका अच्छी तरह से चेकिंग करेंगे, पूरे मार्क्स देंगे। पर आप बहुत ही गंदे हैंडराइटिंग, गंदी प्रेजेंटेशन दोगे तो उसको भी परेशानी होगी और उसकी परेशानी आपके मार्क्स काट सकती है। ठीक है, सो हमेशा बेस्ट वर्क करना आपको याद रखना है। जूही देश के लिए किसे ठुकरा सकती है, तो जूही देश के लिए अपने प्रेमी तात्या साहब को ठुकरा सकती है। जूही अपनी कला को किसके गले की फांसी नहीं बना सकती है, तो जूही अपनी कला को विलासिता यानी कि ऐशो आराम में डूबे हुए लोगों की गले का फांसी नहीं बना सकती है, क्योंकि उसके लिए नहीं बनी हुई हूँ। ठीक है, आगे है, रोज कौन था। तो रोज है ना, वो एक अंग्रेजी सेना का सेनापति था, याद रखिएगा इसका नाम रोज था। और ऐसा भी मैंने एक बुक में पढ़ा था कि बचपन में रानी लक्ष्मीबाई और उसकी काफी अच्छी दोस्ती थी, पर जब उसको स्वराज्य की बात आई तो वही दोस्त उसका दुश्मन बनकर रानी लक्ष्मीबाई उसके सामने लड़ती भी है। युद्ध में जाते समय रानी को क्या लगा। युद्ध में जाते समय रानी को लगता है कि उसके जीवन का शायद ये अंतिम युद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे वन लाइन आंसर, टू लाइन आंसर और लॉन्ग आंसर खत्म। नाउ ग्रामर। तो ग्रामर को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना जरूरी है कि ऐसे सेंटेंस भी पूछे जा सकते हैं जो आपको लेखन कार्य में पूछते हैं कि स्वराज्य प्राप्ति के बढ़कर स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना, इसको एक्सप्लेन करो। तो आपको लिखना पड़ेगा कि इमारत बनाने से पहले उसके लिए उचित भूमि का चयन करना चाहिए, फिर मजबूत नींव रखनी चाहिए, नींव जितनी मजबूत होगी इमारत उतनी ही मजबूत होगी। इस तरह से स्वराज्य पाने के लिए हमें देश और समाज का वातावरण पहले तैयार करना चाहिए और यह वातावरण हमारे लोगों यानी कि जनमानस के जगा कर तैयार किया जा सकता है। शहीदों के बलिदान जो है वो जनमानस में आंदोलित करना चाहिए कि देखो कितने सारे शहीदों ने अपनी कुर्बानी दी, तब जाके हमें इतना अच्छा देश मिला, अपना राज्य मिला, और तब जाके हमें अपना स्वराज्य प्राप्त करने की भावना मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको एक्सप्लेन करने वाले भी सेंटेंस यानी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। शंकाएं अविश्वास पैदा करेगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी जनक उठेगी। अब इसको एक्सप्लेन करो।
राव साहब बांदा के नवाब आदि रानी के सहयोगी संकुच दृष्टि से व्यक्ति में थे। वो अपने अपने स्वार्थ के लिए रानी लक्ष्मीबाई से जुड़े थे। उसमें न देश प्रेम था और ना ही एक दूसरे के प्रति विश्वास था। वो अपने एक दूसरे की शंका की दृष्टि से देखते थे। ऐसे में स्वराज्य की स्थापना करना परस्पर अविश्वास बढ़ा देना था। अविश्वास उसमें निराशा पैदा करता और फिर उसके दुख दूर करने के लिए वे राग रंग में डूब जाते थे। ठीक है, आगे है, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और चोट चौड़ा कर देती है। तो इसको एक्सप्लेन करो, तो दोस्ती में एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए। एक दूसरे को कोई धोखा दे तो उसका दिल गहरी चोट खाता है एंड गहरा अविश्वास में बदल जाता है और फिर पहले जैसी दोस्ती नहीं रहती है। ठीक है, अब ग्रामर पार्ट। तो यहाँ पर है शब्द समूह, धरती और आकाश को मिलन करने वाला स्थान क्षितिज, इसको होराइजन होरिजन कहते हैं, है ना। निराशा या क्रोध से मुंह में निकलने वाला श्वास, तो निश्वास, हम ऐसा अंदर मुंह के अंदर जो श्वास लेते हैं उसको श्वास कहते हैं, पर जब निकाल देते हैं, थक जाते हैं, हार जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं निशासा या निश्वास। ठीक है, दही में मनने वाला एक व्यंजन शिखंड, यमी, ब्राह्मणों को खिलाया जाने वाला भोज ब्रह्म भोज, स्वामी के प्रति श्रद्धा रखने वाला स्वामी भक्त। नाउ आपको समझाया था मैंने भाववाचक संज्ञा, चलो फटाफट से ढूंढ के बताओ किसमें कौन कौन से भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, और विशेषण तो बताया था ना, कैसा कैसा क्वेश्चन करो आपको मिल जाएगा आंसर। व्यवस्था कैसी उत्तेजित, यहाँ पर लहरें कैसी डरावनी, ओके, हम कैसे दुर्बल, ओके। तो इस तरह से आपको हमेशा क्वेश्चन करोगे आपको इजिली विशेषण मिल जाएगा। उसके बाद है मुहावरे, वाक्य प्रयोग जरूर करिएगा। अड़ जाना, किसी बात को मनवाने के लिए जिद करना। हाथ से निकल जाना, अपने वश में न रहना। नींद हराम करना, गहरी चिंता में डालना। आंखें खुलना, सत्य समझ में आना। मौत से जूझना, साहस में मौत का सामना करना। अब ये है संधि। अच्छा, संधि का मैंने एक अलग से एक चैप्टर, एक अलग से वीडियो बनाया है। संधि है ना, संस्कृत हिंदी गुजराती में इक्वल चलती है, तो उसके नीति नियम अगर आप समझ जाओगे ना तो बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर होंगे। ठीक है, तो वहां पर जरूर स्टडी करिएगा। बाकी यहाँ पर तो आंसर है ही, इसको देख लो। उसके बाद ये है ऑपोजिट, आकाश धरती, धरती आकाश, सेवक स्वामी, दुर्बल सबल, नाराज राजी, गहरा उथला। और ये है हमारे अभिजीत भैया जो हमें बताना चाहते हैं कि अगर आप मेहनत करोगे तो आप भी, जिस तरह से लक्ष्मीबाई ने स्वराज्य प्राप्त करने की कोशिश की, तो आप भी अपनी कोशिश से महान हो सकते हो। देखो, इतने अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो हमारा किसका होने वाला है, अमिताभ बच्चन है ना, अमिताभ बच्चन, हाँ, उसकी पहली माता जी का नाम पता है क्या है, नहीं है। चलो, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा और दिखाऊंगा भी कि कैसे कौन क्या हुआ। ठीक है, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।